आइए आज हम बनाएंगे आटे का ढोकला। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये 2 लोटा पानी मैंने भगोले में लिया है और गैस ऑन कर दूंगी। इसे अच्छे से गर्म करना है और इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार और पापड़ खारा है ये 2 स्पून है और ये है 6 कप आटा और इसमें आका दाना है, ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो डाल सकते हैं। जीरा 1 स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 स्पून और इसमें ये पानी देखिए बॉईल हो गया है। इस पानी को लेके हम इसके अंदर डालेंगे, डाल के हमें अच्छे से हिला देना है, बराबर मिक्स कर देना है। मिक्स करके बस इसे ढक दे के 1-10 मिनट के लिए रखना है हमें। अभी मैं ढक दे के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैं 1/2 कप कैप्सिकम, 1/2 कप कॉर्न और 1/2 कप बीन्स, ये तीनों वेजिटेबल्स मैंने ली है और इसके अंदर मैं मिक्स करके अच्छे से हाथों से मिक्स करके ढोकला बना लूँगी, राउंड राउंड लोए की तरह, और स्टीमर में रख दूँगी। देखिए पूरे मिक्स करके मैंने स्टीमर में रख दिया है लोए बना। 20 मिनट के बाद हमारे ढोकले तैयार है। इसे हमें फुल गैस में रखना है, देखिए, और इसे हम सर्व कर रहे हैं दाल के साथ और टमाटर की चटनी। इसके ऊपर घी डालना है, बहुत टेस्टी लगेगा गरम गरम खाने से, रियली इट्स यम्मी टेस्ट। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा है करके।